हाई रेडियो सिटी पर मैं हूँ आरजे दिव्या एंड लाइक आई ऑलवेज से ये मेरा लाइफ का ना सबसे फेवरेट टाइम होता है एंड आई हैव टू टेल यू सर ऑफ कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे साथ स्टूडियो में फाउंडर सी ओ बड़ा बिजनेस एंड मतलब दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में है और ये चीज़ का मैं ठप्पा इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज सर वी मेट लास्ट ट्यूजडे एंड आई हैव टू टेल यू आपकी कुछ लाइनस ना मेरे जहन में ऐसा घर कर गई कि देर बिन मोमेंट्स वर आई बिन रियली लो मैंने खुद को वो बोला है एंड आई एम नॉट लाइंग मतलब मैंने ना अपनी टीम में हर जगह मुझे दिमाग में वो घर कर गई थी इन्फॉर्म नहीं इन्वॉल्व uh, करो वेलकम टू रेडियो सिटी वन मोर टाइम सर लवली थैंक यू वेरी मच दिव्या एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा है 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 बहुत है. मेरे में भी एक्साइटमेंट <laughs> शुरू करते हैं थैंक यू सर हफ्ता जो आने वाला वो एग्जाम से uh, जुड़ा है ऑल्सो um, रिसेशन का टाइम है हर रोज कहीं ना कहीं से ना खबर आती है कि आज ये बंद हो गया आज इतने लोग निकल गए um, एक मेरी फेवरेट ऑनलाइन साइट थी जो आज ही बंद हुई है सो मीन वेरी डिफिकल्ट टाइम टू यू नो फोकस ऑन वर्क वेन देर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस फोकस ऑन स्टडी व्हेन देयर सो मच ऑफ स्ट्रेस कुछ फोकस मंत्रा लें पहले सबके लिए सी एक रूल है लाइफ में अगर आपको फोकस चाहिए फोकस किधर आएगा जिधर आपका इंटरेस्ट होएगा आप कमिटेड वही होंगे जिधर आप इंटरेस्टेड होंगे राइट आपको चाहिए एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट एक स्टोरी बनाइए सॉलिड स्टोरी बनाइए जो दिमाग में घुस जाए जिसको बोलते हैं पावरफुल कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी ऑफ ऑब्सेशन स्टेटमेंट जिधर भी आपको फोकस चाहिए बिकॉज वेर एवर योर फोकस गोज देर इज वेर योर एनर्जी फ्लोज जिधर आपका फोकस जाएगा उधर एनर्जी होगा आपकी ना थोड़ी शादी करनी होगी किससे करानी है शादी आपकी आपकी शादी करानी है पॉसिबिलिटी के साथ और आपका डिवोर्स कराना है डिफिकल्टी के साथ ये जो बार बार जिधर अगर पॉसिबिलिटी पर फोकस करोगे ना बड़ी हो जाती है वो उसका साइज बढ़ने लग जाता है डिफिकल्टी पे फोकस करोगे उसका साइज बढ़ जाएगा पूरा माइंड में सारा जगह वो कैप्चर कर लेगा सो so, रूल क्या है जो जो आपके गोल गोल को अचीव करने में मदद करता हो एक्सेप्टेड के बाहर की बातचीत है रिजेक्टेड संस्कृत का श्लोक है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम इफ इट इज इस्ट्रीब्यूटिंग टू योर गोल स्टेटमेंट एक्सेप्टेड इफ इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर गोल स्टेटमेंट रिजेक्टेड फोकस करो अपने गोल स्टेटमेंट पे यानी ये करना क्या करो मैं सपना याद करो अपना सपना याद करो मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि वो स्टोरी जो है ना जब वो माइंड में पूरी जगह कैप्चर कर लेती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में स्पीड आ जाएगी बॉडी में परसेप्शन ठीक होएगा तो एक्शन ठीक होएगा और अच्छा right, तो जब हम बात कर रहे थे ना फोकस की एक क्वेश्चन है और एक्चुअली कईयों हो का होगा कि पिछले साल मैं फेल हो गई थी और इस साल मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर से फेल ना हो जाऊँ तो अभी डर को कैसे फोकस मतलब डर से कैसे हटें फेलियर के डर से कैसे आगे उभरे देखिए क्या है इफ़ यू नेवर फेल्ड इन योर लाइफ इट मीन्स यूर टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल समस्या फेलियर में नहीं है समस्या समस्या में नहीं है समस्या समस्या को समस्या समझने में है yes. huh? प्रॉब्लम में नहीं है प्रॉब्लम में में. इस इसको समझने में है अभी चाहिए क्या वट यू नीड यू नीड अ मंत्र कॉल्ड आर सी आई रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तीन चीजें इसमें रिचुअल मतलब नियम बना के कंटीन्यूअस मतलब निरंतर लगातार अपने को इंप्रूव करना है आ, बस कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको मालूम है अमेरिका की बात करूं वो लोग रॉयल्टी जनरेट करने में लगे थे 60s में और जापान रॉयल्टी जनरेट करने में लगा था उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स को इतना इंप्रूव कर दिया अमेरिकन बात तो अपने देश की करते थे पर प्रोडक्ट जापानीज यूज करते थे मुझे मालूम नहीं आज आपके शो में काम की बातें करने ही है, के नहीं है।

क्या मंत्र है एवरी कंप्लेन डजन कम रैप्ड ऑन योर वे गिफ्ट रैप नहीं होती है, हर complaint. एक complaint होता, गिफ्ट है. क्या मतलब इस इस बात का? पहले इसका principle समझते हैं. आज इस question कि जब भी आपको कोई कंप्लेन करता, करता है जब भी आप दबा हुआ महसूस करते हैं आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है मैं आज आपको एक पावरफुल की वर्ड दूंगा इंटरप्रिटेशन जितना हल्का सा वर्ड लग रहा है उतना हल्का नहीं बहुत गहरा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन इंटरनल है और इंसिडेंट एक्सटर्नल है इंसिडेंट आपके हाथ में नहीं है इंटरप्रिटेशन आपके हाथ में है राइट right. इवेंट आपके हाथ में नहीं है उस इवेंट को आप क्या समझते हैं इंटरप्रिटेशन देते हैं वो आपके हाथ में है इवेंट आपके हाथ में नहीं आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है आप कभी भी परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते आप मनस्थिति कंट्रोल कर सकते हैं आपको किसने क्या बोला मैं बताऊं मैं जब छोटा था ना तो मेरा पड़ोसी बहुत धनी परिवार से था मेरा दोस्त एक दिन अपने घर में ले गया और मुझको बोला देख विवेक ये प्लास्टिक पेंट है दीवार पे हा, हा। तो मैं कहा क्या मतलब होता है इसका बोला कुछ भी फेंको नीचे गिर जाता है चिपकता नहीं है प्लास्टिक पेंट पे ऐसा साफ हो जाता है मेरे पास तो प्लास्टिक पेंट तो नहीं था लेकिन एक बड़ा लेसन मिला लाइफ में आप भी अंदर से प्लास्टिक पेंट जैसे बन जाओ आप पे कोई कुछ भी फेंके सब नीचे गिर जाए कुछ भी नेगेटिव फेंके असर ही ना करे एकदम साफ हो जाए यानी कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं इवेंट आपके हाथ में नहीं है रिस्पॉन्स आपके हाथ में है आप कैसे चूज करते हैं इंटरप्रिटेशन 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 कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो जाए आप उसमें से कितना तेज और पॉजिटिव मीनिंग निकालने में एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट इन इंटेंटन हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज लर्निंग है ढूंढो ढूंढो पॉजिटिव मैसेज ढूंढो मैं फिर बोल रहा हूं ढूंढो अगर ढूंढोगे नहीं एक्टिवली नहीं ढूंढोगे तो ऐसा पीछे होकर बैठ जाओगे जिंदगी में दुखी हो जाओगे। वो क्या कहते हैं? रिवर्स डोंट गो जो नदियां उसे देखा रुकती है वो वापस चली जाती है नहीं रास्ता साइड से बना लेगी फिर निकल जाएगी लिशन क्या वेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट दे चेंज वेन यू चेंज द वे यू लुक एट दूसरे इसका मतलब क्या है ए आपको आजू बाजू अब अभी कभी आप पहाड़ों पे जाते हो ना मैम अभी क्या दिव्या मैडम जब आप पहाड़ पे जाते हैं आप फोटो खींचते हैं फोटो ठीक नहीं आती तो आप पहाड़ उठा के साइड में कर देते हो कि नहीं नहीं करते हुँ. हम खुद मूव करते हैं हम खुद मूव करते हैं अभी जब आप नदी के किनारे फोटो लेते हो फोटो ठीक नहीं आती आप नदी को उठा के एडजस्ट करते हो नहीं आप अपना फोकस एडजस्ट करते हो अभी हम यहाँ बैठे हैं कैमरा अपना फोकस एडजस्ट करके बैठा है हमारे साथ में ऐसा ही लाइफ भी है आसपास की परिस्थितियों को एडजस्ट मत करो अपना फोकस एडजस्ट करो वेन यू चेंज द वे यू लुक एट है कृष्ण बोलते हैं उपदृष्टा च अनुमंता वो क्या कहते हैं उपदृष्टा और अनुमता यानी कि उपदृष्टा मतलब वो दृष्टा की तरह साइड में खड़े होकर चुपचाप देखो मेरे साथ क्या हो रहा है ओवरसियर सियर यानी कि परमीटर जिस समय आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई ना आप आराम से उसको देखो और उसको परमिशन दो हो गया ठीक है हो गया कोई बात नहीं हाउ डू आई ब्रिंग माई फोकस बिकॉज रिवर्स डोंट गो रिवर्स और राइट एक कॉल आई है जिसमें एक लेडी है और ये बहुत कॉमन है जो मुझे अक्सर कॉल जाती हैं कि आ, मुझे काम छोड़ना पड़ा आई वॉज वर्किंग मैंने काम छोड़ दिया फॉर एवर रीजन्स और आज ना मेरे लिटरली मुझ में जंग लग गया है मैं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है टू सिट विद पीपल टू टॉक विद पीपल अपनी जो मेरी इन लॉज हैं वो वर्किंग है आई कॉन्ट इवन टॉक टू दैम डू आई डू मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा कुछ ऐसा बहुत बार होता है कि सबैटिकल पर चले जाते हैं चार साल पाँच साल सात साल हुँ. घर पे हैं बैठे हैं हुँ. अब लगता है कि मैं आउटडेट हो गया हूँ खत्म हो गया है वैसे कुछ होगा नहीं आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड वॉट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू पर एक ना रूल है लाइफ में ये जो रूल है इसको मिस नहीं करना है मन में सोचने से अकेले केवल मन में सोचने से बात नहीं बनेगी right. आपको क्या चाहिए आपको इमोशन के साथ मोशन भी चाहिए जब मोशन चेंज करेंगे ना बॉडी लैंग्वेज चेंज करेंगे you have to take a small step. नहीं मैं बोल रहा हूं फिनिशिएटिव बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। कोई वर्ड नहीं होता है ये मैंने अभी बना दिया ऐसा ही मतलब ये नहीं कि बस शुरू किया चलना है कंसिस्टेंसी चाहिए हुँ? जब फिजियोलॉजी से बदलती है साइकोलॉजी क्या रूल है मोशन से बदलेगा इमोशन क्या रूल है एक्शन से बदलेगा परसेप्शन राइट सो यू गॉट टू एक्चुअली फिजिकली स्टार्ट मूविंग आपने देखा है कभी किसी को डांस करते हुए जब लोग डांस कर रहे होते हैं क्लब में पार्टी में या आप, 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 आपके साथ एफएम पे म्यूजिक में लोग ऐसा ऐसा जोर जोर से हिलते हैं तो उनका ना एकदम माइंड शिफ्ट हो जाता है जैसे ही आप डांस करते हो ना तो एकदम बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है उससे माइंड एकदम शिफ्ट करता है ये रूल है आपको यू टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो जो आपको मिल रहा था वही मिलता रहेगा इफ यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वर डूइंग यू विल कंटिन्यू गेटिंग वॉट यू वर गेटिंग अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे थे आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था यह डेफिनेशन ऑफ इंसानिटी ऑफ एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट घर बैठे बैठे घर बैठे बैठे आप सोचो कुछ कुछ हो जाएगा अरे कुछ नहीं you have to start taking initiative. उठो, उठो, जागृत, जागो. तब तक तक लक्ष्य के पीछे भागो. जब आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए आपको क्या बनना है या आपके लिए आपको खुद ही उठना है कोई आपको नहीं उठाएगा बिकम सेल्फ स्टार्ट पुश स्टार्ट नहीं हा? उठना पड़ेगा क्या कहते नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंती मुखे मृगा सोई वे शेर के मुंह में हिरण नहीं आता शेर को जागना पड़ता है उसको शिकार करने निकलना पड़ता है मैं फिर आपसे बोल रहा हूं रूल क्या है एक्शन लो आप आप क्या कर रही हो घर पे बैठे हुए हैं आप इतने दिन होगा वो घर पे बैठे हुए छोटा एक्शन लो तुरंत डिस्कशन नहीं चाहिए डिसीजन चाहिए उठो मैं क्या बोल रहा हूं मोशन बाहर निकलो अपने घर से छोटा इनिशिएटिव लेके आओ नहीं बनेगी बात कोई बात नहीं यू गेट अ लर्निंग नेक्स्ट टाइम आप और इंप्रूव करेंगे मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर इस कॉल के बाद और इस एफ एम पे मेरे छोटे से मैसेज के बाद अगर आप उठे नहीं और डिसीजन नहीं लिया तो फिर वही रह जाओगे रूल क्या है बॉडी लैंग्वेज से आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा चार पांच स्टेप लेने पड़ेंगे और राइट सर एक क्वेश्चन है एंड आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट भी करेंगे बहुत महिलाएं खासकर कि 20 साल हो गए हैं कहती हैं शादी में बच्चे देख लिए हस्बैंड को देख लिया इन लॉज को देख लिया बट मेरी सासू माँ ने मुझे ना आज तक कभी गुड जॉब नहीं बोला लाइक दज नॉट बीन अ मोमेंट वेयर उन्होंने मेरी तारीफ़ कर दी हो आपकी सासू माँ आपकी तारीफ नहीं करती हैं आपको लगता है आपकी सासू माँ का जन्म आपकी तारीफ़ करने के लिए हुआ था आपको लगता है कि उनको भगवान ने इसीलिए भेजा है कि आपकी तारीफ़ करेंगे प्रॉब्लम आपको लगता है वो आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है और आपको ये नहीं मालूम कि आप खुद आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है हैप्पीनेस में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा कड़वा बोला मैंने आपको आउटसाइड इन in और इनसाइड आउट हैप्पीनेस आउटसाइड इन नहीं होनी चाहिए यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस इवेंट्स टू हैपन जो मेरे को खुश करें सासूमा और कहीं अच्छे काम कर लेती होंगी आपकी तारीफ ऐसे नहीं बोला आपको शाबाश बेटा क्या फर्क पड़ता है वो उनके पैटर्न में नहीं है आप अच्छा कर रहे हैं आप, आपके हिसाब से नहीं हुए तो आपको तकलीफ हो रही है मेरी एक बात समझिए एक इंपॉर्टेंट लेसन यहां कि जब भी आपकी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल आप दूसरों को दे दोगे जिंदगी में कभी खुश नहीं होने वाले यू गॉट टू हैव द कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट आप निर्भर नहीं होना है आपको किसी और के कुछ शब्दों पे ये शब्द मेरे कान में जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी right. ऐसा कुछ शब्द ये खाली वर्ड्स है वो वर्ड्स है ऐसा, शाबाश ये क्या शब, 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 ऐसा ये कान में टच करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी हा, हा 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 ऐसा नहीं गड़बड़ है ये बात आप अपने वर्ड अपने आप को बता सकते हो उसको बोलते हैं आत्म सुझाव ऑटो सजेशन यू कैन ऑलवेज कीप यफ हैप्पी वो क्या बोलते हैं ना आमिर खान ऑल इज वेल ऑल इज वेल

मानो तो जीवन में सुखी सुख ना मानो तो यह दी दुख का दरिया मानो तो जीवन में सुख ही सुख ना मानो तो, तो, तो है जीवन दुख का दरिया प्यारे रेडियो सिटी के लिसनर्स ये जीवन और कुछ नहीं है बस है देखने का नजरिया क्या बात है मतलब पीछे से साइलेंट क्लैपिंग हो रही है So it's all about how you look at life. And like I said, kabhi bhi thodi se bhi tension na, ab hume yaad kijiye. And Dr. Bindra is right here with us. Thank you so much.